वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो कर लिया, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मतलब ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मतलब किस चीज़ पे हम ड्राइंग करें। सो वो जो बाहर मिलती है ना A4 साइज शीट्स, सो थिक वाली लो, जैसे ये बहुत ही हार्ड है, ऐसी वाली यूज़ करा करो अगर आपको वॉटर पेंटिंग करनी है। तो अगर आप नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हो तो आप नॉर्मल जैसे फाइल में जो शीट्स होती हैं पतली पतली ऐसे फाइल में वो भी यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप स्केच पेन से या फिर ऑयल पेस्टर से कलरिंग कर रहे हो तो आप एज ही थिक शीट लो, वो फाइल में नहीं करना। ओके, सो ये मिलती है 2 रुपीस की एक शीट मिलती है, तो आप हमेशा यही यूज़ करते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हम वाटर कलर कौन से यूज़ करें अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं। सो आप कैमल के ये स्टूडेंट पोस्टर कलर्स यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छे होते हैं एंड इजीली मार्केट में आप ले सकते हो और इसका प्राइस है 170 रुपीज़। देखो इधर लिखा है, ठीक है। सो इसमें ब्लैक कलर, वाइट कलर, लाइट ग्रीन और मैरून, रेड, ब्लू, लेमन येलो, येलो मीडियम और डार्क ब्लू, पोस्टर ग्रीन, येलो आउचर और बहुत सारे ऑरेंज कलर। सो इसमें ये कलर मिलते हैं। सो यू कैन सी ये इतनी बड़ी शीशी मिलती है आपको, मतलब इतनी बड़ी, ठीक है। सो अगर आप इसको ख़रीद रहे हो सो ये बात याद रखना कि ये बहुत छोटे होते हैं और ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप ओपन मतलब खुले पीसेस में सिंगल सिंगल में बाय कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो आपको थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। थर्ड पॉइंट कि हमें कौन सा ब्रश पेंटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप हमेशा ये याद रखना कि आपको फैन ब्रश से पेंटिंग नहीं करनी, आपकी पेंटिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आपको नॉर्मल ब्रश यूज़ करना है जो इतना चौड़ा होता है, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ के ब्रश से अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो वो करो। और आप पेंटिंग में पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते तो पेंसिल की तरह एक पतला सा ब्रश आता है 0 साइज़ का, तो आप वो यूज़ करा करो। सो जैसे आपको आउटलाइनिंग करनी है तो आप उसी से करो, वो इतना पतला सा आता है तो वो बेस्ट होती है, वो बेस्ट होता है, वो आ जाता है 5 to 6 रुपीज़ तक में। सो आप हमेशा वो ही यूज़ करो। एंड देन थर्ड पॉइंट, हम मतलब पेंटिंग के लिए हम कौन सा बेस्ट कलर जो होते हैं हम यूज़ करें। सो बेस्ट कलर्स होते हैं एक्रेलिक कलर्स, ये नॉर्मल वाटर कलर्स हैं लेकिन जो बेस्ट कलर्स होते हैं वो है एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर का बॉक्स एक्सपेंसिव होता है, कोई कोई खरीदते हैं, कोई कोई जिनको एक्सपेंसिव लगता है वो नहीं खरीदते। तो जिनको ये एक्सपेंसिव लगते हैं एक्रेलिक कलर्स, आप यही वाले यूज़ करो, अप्सरा या फिर किसी के नहीं यूज़, सिर्फ आपको कैमल के यूज़ करने, क्योंकि कैमल सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट, सो फिफ्थ पॉइंट में मैं ये बताऊंगी कि हम सबसे ज़्यादा पेंटिंग में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं वाटर के लिए, क्योंकि हम सारा तो पेंटिंग कलर से नहीं करेंगे, हमें हल्का हल्का उसमें वाटर के ड्रॉप्स भी डालने होते हैं ताकि वो मिक्स होके ज़्यादा कलर बन जाए। तो जैसे देखो अगर मैं ये ब्लू कलर ले रही हूँ तो मैं इसमें 5 ड्रॉप्स पानी डालूँगी एंड पूरे में ब्लू कर दूँगी। जैसे अगर आप येलो कलर लेते हैं, लाइट येलो, अभी मेरा ये लाइट येलो ख़त्म हो गया है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाइट येलो इस शेड में होता है, ये वाले शेड में। सो आप देखो ध्यान से, हाँ तो यही होता है। ये वाले येल्लो में अगर आप बना रहे हो तो आप 3 ड्रॉप्स डालो, क्योंकि ये बहुत पतले येल्लो कलर्स होते हैं तो आप उसमें
कम ही डाला करो पानी। अब हमारा 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट कि हम पेंटिंग जब बनाते हैं तो हम कभी भी ना अपने मन से नहीं बनाते, हम गूगल में से देखते हैं यानी यूट्यूब से देखते हैं। तो आप मेक श्योर आप ट्राई करो अपने मन से बनाने की, जैसे मैं हूँ। मैं अपने मन से पेंटिंग बनाती हूँ, मैं कभी भी गूगल से नहीं देख के बनाती। ये बात सबसे अच्छी है, तभी आप पेंटिंग सीखोगे अगर आप खुद से पेंटिंग करते हो तो, यूट्यूब या फिर गूगल से देख के नहीं। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जब भी आप पेंटिंग करते हो तो आप अपने आप से सीखो, किसी गूगल यूट्यूब किसी से नहीं। अगर आपका कंपटीशन है पेंटिंग का या फिर कुछ भी है इम्पोर्टेंट तो आप तब देख सकते हो, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली पेंटिंग कर रहे हो तो आप अपने मन से सोच के पेंटिंग बनाया करो, उससे क्या होता है आपकी ब्रेन पावर भी तेज हो जाती है और आप पेंटिंग में धीरे धीरे जल्दी सीखते हो, मतलब जल्दी सीखते हो, मतलब धीरे धीरे आपकी पेंटिंग इंक्रीज हो जाती है। ये आपका बेस्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने मन से पेंटिंग बनाते हो तो आप प्लीज़ ये पॉइंट सबसे याद रखो। एंड यही बात मैं भी रूल करती हूँ कि मतलब जब भी हम पेंटिंग बनाते हैं तो हम अपने मन से ही बनाएं। अगर मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि अगर आपका कंपटीशन है या फिर इम्पोर्टेंट पेंटिंग है तो आप गूगल या फिर यूट्यूब से देख के बनाओ ताकि थोड़ा ख़राब ना हो जाए। नॉर्मली जो मतलब आप पेंटिंग कर रहे हो, जैसे इसमें पेंटिंग कर रहे हो तो नॉर्मल रेगुलरली कर रहे हो आप, तो हमेशा अपने मन से बनाओ, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट ये कि हमें ना जब हम पानी लेते हैं तो हमें कटोरी भी या फिर बाउल में पानी नहीं लेना चाहिए, हमें ग्लास में लेना चाहिए। और एक बलून लो जो बड़ा वाला होता है 2 रुपीस का जो होता है, उसका ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड काट दो, उसको मतलब वो ग्लास के ऊपर वाली साइड पर ऐसे लगा दो और उसके अंदर अपना ब्रश रखो, उसे धो, ताकि अगर वो गिरे भी तो आप जल्दी से पकड़ लो और पानी बाहर ना जाए। और इससे पहले जो मैंने बताया कि अपने मन से पेंटिंग करो, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए एंड बाय।